ऑल ऑफ यू। राधे राधे। चलो आज मैं आपको पता है क्या दिखाने वाली हूँ। आप देख रहे हो कि कढ़ाई में ना सूजी भुन रही है, तो ये सूजी भुन रही है और यहाँ पर आप देखो ये पूड़ियों के लिए लोइयाँ बना ली हैं। तो ये भोग बन रहा है हमारे कान्हा जी के लिए। अभी ना हम रिसेंटली 2 दिन पहले वृंदावन गए थे, तो वृंदावन जाने के बाद मम्मी को ये लगा कि चलो मैं ठाकुर जी के लिए भोग बनाती हूँ, हलवा पूरी। तो यहाँ पर ये सूजी भून रहे हैं और सूजी भूनने के बाद फिर पूरी बनेंगी। तो आज हम ठाकुर जी के लिए हलवा पूरी बना रहे हैं। ये देखो सूजी को ना हल्का हल्का सा ब्राउन कर रहा है, मतलब हम अगर भोग बनाते हैं ना तो हलवा बनाते हैं, कभी भी बनाते हैं तो हम ब्राउन कलर का बनाते हैं, थोड़ा डार्क कलर का पसंद है हमारे घर में। तो आप तो शायद थोड़ा लाइट, कोई कोई ऐसा होता है कि लाइट कलर बनाते हैं और कोई ऐसा होता है कि डार्क कलर का हलवा बनाते हैं। तो आपको किस तरीके का हलवा बनाना पसंद है आप भी बता। ये देखो ये सूजी भुनकर एकदम रेडी हो गई है और देखो हमने डार्क कलर की भुनी है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, थोड़ा लाइट कलर की भूनते हैं क्योंकि उनको लाइट कलर का हलवा बनाना पसंद है, और हमें डार्क कलर का हलवा ज़्यादा पसंद है बनाना। तो यहाँ पर देखो ये लोइयाँ देखो छोटी छोटी सी पूरियों के लिए बना दी है। आज हम कुछ सिखा नहीं रहे तो हमने सोचा चलो हम प्रसाद बना रहे तो आपको ही बताते हैं। और वृंदावन कौन कौन गया है और किस किस ने ठाकुर जी के दर्शन करे हैं, बांके बिहारी में जाके बरसाना गए हैं या मथुरा गोवर्धन गए हैं, अगर आप गए हैं वृंदावन तो आप भी बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको कैसा लगा ठाकुर जी के दर्शन करके। और नहीं गए हैं तो आप कभी जाना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वृंदावन बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा लगता है, प्रेम मंदिर है वहाँ पर, कितने सारे मंदिर पड़ते हैं, बहुत सारी कथाएं होती रहती हैं वहाँ पर। यमुना तट है, गोवर्धन पर्वत है, बरसाना है, श्याम कुंड, राधा कुंड। तो आप भी कभी जाना, आपको बहुत अच्छा लगेगा दर्शन करके ठाकुर जी के। और यहाँ पर ये देखो अभी कढ़ाई में मम्मी ने तेल डाल दिया है। हम लोग रिफाइंड यूज़ हम लोग क्या करते हैं ना, रिफाइंड यूज़ करते हैं। अगर आपको जो तेल पसंद है, आपको जो ब्रांड पसंद है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो किसी किसी को सरसों का भी तेल पसंद है पूड़ी बनाने। ये देखो गरम गरम पूड़ियाँ तलना शुरू हो चुकी हैं। हमें मतलब ज़्यादा डार्क कलर की पूड़ियाँ सेकना ज़्यादा पसंद है। कोई कोई ऐसा होता है कि थोड़ी सी क्रीम कलर होता है ऑफ वाइट कलर की, तो वो फटाफट से डाल के तुरंत निकाल लेते हैं, लेकिन हमको ना लाल और करारी पूड़ियाँ सेकना ज़्यादा पसंद है। वो थोड़ा सा अच्छे से सेक जाती है और उसमें कच्चापन नहीं रहता है। इसी तरीके से हम सारी पूड़ियाँ सेक लेंगे और हमारे ठाकुर जी का भोग तैयार हो जाएगा। गरम गरम पूड़ियाँ भी रेडी हो चुकी हैं। बस लगभग 4 से 5 मिनट में ठाकुर जी के लिए भोग रेडी हो जाएगा, फिर मैं आपको भोग का फाइनल लुक दिखाती हूँ और अपने ठाकुर जी के भी दर्शन कराऊंगी आपको, ठीक है। ये देखो हलवा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। ये देखो हमारे ठाकुर जी का भोग तैयार हो गया और अब मॉम ठाकुर जी का भोग लगा रही है। ये देखो ये हलवा रखा ठाकुर जी के आगे और ये बप्पा के आगे, जल रखा और ये बप्पा के भी आगे। आप भी बताना हमें कि आप जब वृंदावन गए थे तो आपने ठाकुर जी के लिए क्या भोग बनाया था। ये ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं, सुंदर सुंदर पाले पाले कान्हा जी। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और मम्मी ना हमेशा ठंडा कर करके खिलाती है ताकि ना उनका मुंह ना जल जाए एकदम गर्माहट से, इसलिए तो मम्मी ठंडा कर करके खिलाती है। चक देख देख के कि छोटे बच्चे को जैसे खिलाते हैं ना, उसी भाव से मम्मी खिलाती है कि कहीं लल्ला का मुंह ना जल जाए, क्योंकि हलवा और जो पूरी है वो गर्म है। तो चेक कर करके जैसे छोटे बच्चों को चेक करते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही। ये देखो अब ये जल पिला रहे हैं ठाकुर जी को। अब इनका मुंह पोछा जा रहा है। ये देखो ठाकुर जी ने भोग लगा लिया। तो अब आप हमें बताना कि आप जब वृंदावन गए तो आपने ठाकुर जी के लिए क्या भोग बनाया और आप वृंदावन कब गए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।